टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आपका बार का 2022 का फिजिक्स का एग्जाम हुआ है, इसी में मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, साइन एन एन क्या गिवन है, रूट टू बाई फाइव टू वन माइनस वन माइनस वन बाई रूट फाइव टू वन जीरो प्लस रूट टू बाई फाइव टू वन। ये आपको दिख भी रहा है, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स अच्छे से की हुई है, ये किसका केस है, हाइड्रोजन एटम का केस है। ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, 2 1 -1 2 1 0 2 1 1। आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ब्रास साइज एल स्क्वायर कैट साइज। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले एल स्क्वायर साइज निकालो कैट के साथ, उसके बाद ब्रास साइज ऑपरेट करो, आपके पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन से ऑप्शन है, 6h क्रॉस स्क्वायर, 3h क्रॉस स्क्वायर, 2h क्रॉस स्क्वायर एंड 4h क्रॉस स्क्वायर। वेव फंक्शन को लिखो NLM है, ये तीनों क्वांटम नंबर्स होते हैं NLM, रूट टू बाई फाइव टू वन माइनस वन, मीन्स यहाँ पे N2 है, L1 है, M माइनस वन है, माइनस वन बाई रूट फाइव N2 है, L1 है, M0 है, प्लस रूट टू बाई फाइव N2 है, L1 है, M1 है, दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आप L स्क्वायर को साई NLM पे ऑपरेट करेंगे तो क्या आइगन वैल्यू मिलेगी, जो L है, L इंटू L प्लस वन h क्रॉस स्क्वायर साई NLM। L स्क्वायर को 2 1 माइनस वन, ये तीनों हैं जो फंक्शन के अंदर टर्म्स, इन पे ऑपरेट कराइए, 2 1 माइनस वन क्या देगा, L, L यहाँ पे क्या है, 1, 1 इंटू 1 प्लस 1 2 h क्रॉस स्क्वायर, और वेव फंक्शन क्या रहेगा, एज इट इज 2 1 माइनस। अब आपने L square को 2 1 0 पे ऑपरेट कराइए, क्या वैल्यू देगा, L into L plus 1 h cross square, 1 into 1 plus 1 2 h cross square 2 1 0। L square को ऑपरेट कराइए 2 1 1 पे, L into L plus 1 1 into 2 यानी 2 h cross square 2 1। अब आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए L square को साई के साथ, यहां से मैंने अगर L square पे मैं लगाऊं इस पर साई root 2 by 5 as it is, इस टर्म को अभी मैंने निकाला था, क्या आया था, 2h क्रॉस स्क्वायर 2 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई रूट 5 2h क्रॉस स्क्वायर 2 1 0 प्लस रूट 2 बाई 5 2h क्रॉस स्क्वायर 2 1 1, दैट इज आवर सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है एल स्क्वायर की, यानी ब्रा साई को भी ऑपरेट कराइए एल स्क्वायर साई पे, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी, ब्रा साई क्या हुआ, रूट 2 बाई 5 2 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई रूट 5 2 1 0, ये ब्रा है आपका, प्लस रूट टू बाई फाइव टू वन, और एल स्केयर साई क्या है सेकंड इक्वेशन से, रूट टू बाई फाइव टू एच क्रॉस स्केयर टू वन माइनस वन माइनस वन बाई रूट फाइव टू एच क्रॉस स्केयर टू वन जीरो प्लस रूट टू बाई फाइव इंटू टू एच क्रॉस स्केयर टू वन। यहाँ से टू एच क्रॉस स्केयर तीनों टर्म्स में कॉमन निकल रहे हैं, क्या बना, रूट टू बाई फाइव इंटू रूट टू बाई फाइव टू बाई फाइव टू वन माइनस वन टू वन माइनस वन से आपको पता है साई एन एल एम साई आपके पास क्या है एन एल एम यानी एक टाइप से ये एल डैश है एम डैश है। तो अगर आपके पास वन कब होगा जब एल इक्वल टू एल डैश है एम इक्वल टू एम डैश है यानी डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा डेल्टा एन एल एम आ गया एक टाइप से आपके पास एल एम एल डैश एम डैश दोनों ये इक्वल हो जाए एल और एल डैश एम और एम डैश तो वैल्यू बनाएगी अदरवाइज जीरो। तो यहाँ से ये टर्म वन माइनस वन बाई रूट फाइव माइनस वन बाई रूट फाइव प्लस वन बाई फाइव हो गया प्लस रूट टू बाई फाइव प्लस रूट टू बाई फाइव टू बाई फाइव हो गया टू एच क्रॉस स्क्वायर टू प्लस वन प्लस टू फाइव बाई फाइव दैट इज वन दैट इज फर्दर इक्वल टू टू एच क्रॉस स्क्वायर। ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है टू एच क्रॉस स्क्वायर आया हुआ है, इसी तरह से आप हाइड्रोजन एटम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल आपका आपका बार का फिर से एग्जाम है तो हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड इसी तरह का क्वेश्चन 100% आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट आपको, थैंक यू।